रहीम अस्सलाम वालेकुम सर क्लास अपनी मैथ की बुक ओपन करें। आज करने एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। इन क्वेश्चंस को आपने प्रूव करना कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। इस तरह से आपने पेज आईडी करना है। लेक्चर नंबर आज आपका 14, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्लास सॉल्व करने लगी हूँ। 1/4 लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई, ये अंदर माइनस किया तो 9 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो इधर आप लोगों ने साइड पर एलसीएम ले लेना है 9 और 15 का। ये देखिए क्ला मैंने एलसीएम ले लिया, 3 3 9 9 5 45, तो लिखेंगे 45। 9 के टेबल में 45, 9 5 45 5 8 40, माइनस 15 के टेबल में 3 तो 3 3 12 36, इक्वल टू 1 8 8 9 4 36 माइनस का आगे 1 12 12 over 15 4 क्या आता है 60। अब आप लोगों ने क्या करना है, 36 और 60 का एलसीएम लेना है। ये देखिए सर एलसीएम ले लिया, 6 2 12 12 3 36, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 180। अब 36 के टेबल में 180 कितने 5 तो 5 8 40, माइनस 60 के टेबल में 83 तो 3 12 36 इक्वल टू, तो 1/4 मल्टीप्लाई 40 में 36 लेस करें 4/45, तो इक्वल टू ये काट लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 4 1 4/45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 180 इक्वल टू 40 में से 36 लेस करें 4/180। अब आपने देखना है किसी के टेबल पे कटता है नहीं कटता है। 4 1 4 4 4 16, 2 कैरी 4 5 20, ये भी सेम वैसे ही कट होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, 1/45 इक्वल टू 1/45। ये प्रूव हो गया आंसर सेम, तो इसलिए आपका आंसर दुरुस्त है। अब आपने अपनी नोटबुक पे जो क्लास वर्क करना है, क्वेश्चन नंबर ये 3 वाला 6 वाला और 9 वाला करना है, और प्रैक्टिस रजिस्टर पे इनके प्रैक्टिस भी करनी है।